वाले पेंशन के काम आते हैं, तो आप भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तहत हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं, आप इसको किस रूप में देखना चाहते हैं? ये तो सरकार का विजन हो गया, लेकिन जो लोग बात करते हैं और पेंशन ज्यादा बेहतर है समाज सुरक्षा की दृष्टि से, आप उसको किस तरह से देखते हैं एक सरकारी नौकरी के हिसाब से? सर देखिए, इसमें दो तरीके के विजन होते हैं। एक है सर जो मैं व्यक्तिगत मत, तो इसके हिसाब से व्यक्तिगत लाभ को बाद में देखना चाहिए और राष्ट्र हित को पहले देखना चाहिए। आप राशि की प्राथमिकता देते हो एनपीएस के समर्थन बताए जी ईपीएफओ सर, में? क्या अभी पेंशन स्कीम आपको लागू होगी, तुरंत पेंशन लागू होगी सर इस ईपीएफओ पल के लिए आप जा रहे हैं न्यू पेंशन स्कीम। न्यू पेंशन स्कीम? कोई दिक्कत नहीं है न्यू पेंशन? सर दिक्कत कुछ यही है कि इसमें अभी फिक्स नहीं किया सरकार ने, इसकी नियमावली में अगर इसको फिक्स कर दिया जाता है कि कितने पेंशन देने का प्रावधान है और कितनी इसमें ब्याज दर होगी, समझता हूँ ये ज्यादा हो जाएगी। वर्तमान में काफी मुद्दा है चल रहा है, एआई का मुद्दा चल रहा है, और कहा जा रहा है कि एआई के आने से बेरोजगारी बढ़ेगी क्योंकि उससे काम मशीनें करने लगेंगी। तो कैसे देखते हैं, तो समाज सुरक्षा के लिए बेरोजगारी दर बढ़ेगी, आपके डिपार्टमेंट दबाव बहुत ज्यादा आएगा, तो एआई को किस रूप में देखते हैं भारत जैसे देशों के साथ? सर भारत जैसे देश में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये एक नई टेक्नोलॉजी है, और यदि ये भारत में क्या ये पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बना हुआ है कि इसका दुरुपयोग भी बहुत व्यापक स्तर पे है, और इसके आने से कई प्रकार के रोजगारों के खत्म होने की आशंका। लेकिन सर इसका एक पहलू ये भी है कि इसमें जो कंप्यूटर साइंस की डिमांड है वहाँ पे इसके रोजगार के सृजन होने की बहुत बड़ी संभावना है। उसके लिए सर देश में कौशल विकास पर जोर देना होगा और कंप्यूटर तकनीक का जो है व्यापक तरीके से इसको शिक्षा व्यवस्था में। अब भारतीय लोकतंत्र को किस रूप में देखते हैं, और हमारे यहाँ के चुनाव में किस रूप से दूसरों को प्रभावित करते हैं, जो भी हमारे जैसे चुनाव कराए हैं, किस रूप में देखते हैं? भारत जैसे देश में जहाँ दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन निवास करती हो, वहाँ पे लोकतंत्र का इतनी व्यवस्थित तरीके से चुनाव संपन्न करा लेना सर, ये दुनिया के लिए जो मैसेज है, हम दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, तो इससे दुनिया को यही मैसेज जाना चाहिए कि जिस तरह निष्पक्षता के साथ हमारे देश में चुनाव होते हैं, बाकी जगह भी इस चीज़ का पालन हो, और जो देश डिक्टेटरशिप कर रहे हैं वो देशों के लिए ये थोड़ा सा एक मैसेज जाता है कि वो वहां पे भी लोकतंत्र है, थोड़ा सा अजीब लगता है।